झारखंड में सियासी घमासान के बीच विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया है। हेमंत सोरेन ने इस पर कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने यह सत्र बुलाया है। वहीं विधानसभा में स्पीकर ने विपक्ष को विश्वास मत पर बहस करने के लिए कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा कि हम सदन के बाहर भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और सदन के अंदर भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इससे पहले रायपुर से सभी आए विधायक यूपीए विधायकों को विशेष बस में सर्किट हाउस से लेकर विधानसभा लाया गया था। सभी विधायकों को विधानसभा में अंदर लाए गए जिस गेट से मुख्यमंत्री खुद जाते हैं। दरअसल विधानसभा में दो गेट है, एक गेट से मुख्यमंत्री, दूसरे गेट से आम विधायक जाते हैं। लेकिन आज यूपीए के सभी विधायकों को उस गेट से ले जाया गया जहां मुख्यमंत्री जाते हैं। बता दें कि विश्वास प्रस्ताव लाने के चलते सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे। लाभ के पद मामले में सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की भाजपा की याचिका के बाद निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को राज्यपाल रमेश बैस को अपना फैसला अवगत कराया था, जिससे राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। हालांकि निर्वाचन आयोग के फैसले में को अभी तक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा यह है कि आयोग ने विधायक के रूप में सोरेन की अयोग्यता की सिफारिश की थी। इसके बाद राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका है। वहीं हेमंत सोरेन ने आज 5 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया है। वहीं सत्र से पहले रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र आहूत करना समझ से परे है। बाकी आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जो बीजेपी है वो लगातार जेएमएम पर लगातार निशाना बनाई जा रही है, और आप क्या कहेंगे इसको लेकर, निशाने साधने को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।